नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर पनवार से है। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने पनवार थाने का निरीक्षण किया और सीएलजी मीटिंग ली और गांव और कस्बों की समस्याएं सुनी, जिसमें मौजूद रहे सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र और काफ़ी महिलाएं, गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पनवार में सबसे ज़्यादा पुलिस अधीक्षक के सामने अतिक्रमण का मुख्य मुद्दा रहा। वहीं बस स्टैंड पर लोगों ने नालों पर कब्जा करके रोड को संकरा कर दिया है, जिससे आए दिन परेशानी होती है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्कूल के सामने छुट्टी होने के बाद स्कूल खुलते समय अगर कोई पालतू खड़ा रहता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। अधीक्षक महोदय ने भी बताया कि अपने बच्चों और युवाओं को सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट या भड़काऊ बयानबाजी से अपने परिजनों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे उनके बच्चे गलत राह पर ना जाएं, और अगर कोई गलत पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। थाना पनवार पुलिस स्टाफ सीएलजी मीटिंग में भाग लेने वाले सदर रफीफ भाई, मंसूरी सरपंच देवराज सिंह सोलंकी, राकेश सोनी जिला परिषद, राजू गुर्जर, रामजी गुर्जर आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।